दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अब देखिए, कल पापा घर आ गए और पूरा रात, कंप्लीट रात जगे हुए हैं। रात भर सिर्फ एक ही रट, हर 10 सेकंड पे, ए जी सुनती हो, पानी दो। यहाँ इनका पानी का बोतल, ज़्यादा पानी पीने के लिए इनको एकदम मना किया हुआ है डॉक्टर। मतलब मैक्सिमम आधा लीटर से 1 लीटर पानी चाहिए, नहीं तो हार्ट जो है फिर फंक्शनिंग में ट्रबल करेगा। और यहाँ पे इनका ये एक्सरसाइज है, टाइम टू टाइम करते रहते हैं। अभी तो ये एक गेंद इसमें से ब्लू वाला ऊपर तक खींच ले रहे हैं। रात भर मैं भी जगा हुआ हूँ कंप्लीट। यहाँ बगल में मैं लेटा हुआ था जहाँ मम्मी सोती थी, अब मम्मी यहाँ पे हैं। यहाँ मम्मी का जो गाड़ी था उसको हम लोग बिल्कुल जहाँ पे मम्मी बैठती थी, और ये उनका बेसिन, और यहीं से मम्मी नीचे की तरफ देखती थी, जो मैं आपको बराबर बताता हूँ। देखिए ये गेट, मम्मी का पूरा ध्यान बस एक ही जगह रहता था, गेट पे। तो ये कहानी में कुछ चेंज आ गया। अब वहाँ पे पहले मम्मी का अलमीरा था जो कि यहाँ आ गया, अब मैंने बेटे का टेबल को यहाँ लगा दिया है। अभी वो रात भर वो भी जगा हुआ था, 5 बजे सुबह वो सोने गया है, अब वो आ जाएगा ड्यूटी पे, वो भी आ जाएगा यहीं पे, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ, ताकि दादाजी का भी नज़दीक से देखभाल करें। और मैं भी अभी इनके साथ एकदम सुबह से लगा हुआ हूँ। दवाई दुनिया भर का है, सब दवाई वहाँ झोला में, एक झोला दवाई है। और यहाँ पे हेडफोन में एक मैंने मूवी लगा दिया है इनको देखने के लिए, और इनका ताकि मन जो है सो बहला रहे। ये देखिए अपने से ये अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये फेफड़े का एक्सरसाइज ये करते रहते हैं। अभी क्या है ना कि हमको लगता है कि मिनिमम 1 सप्ताह जो है वो इनके साथ पूरा टाइम बिताना पड़ेगा, रात दिन जग के, तब जाके थोड़ा रिकवरी होगा। हमको नहीं लगता है, जब स्थिति परिस्थिति देखेंगे तभी लाइव जूम कर पाएंगे। यहाँ देखिए, भैया का डेथ तो 2009 में हो चुका था, सबसे बड़े भाई का, और अब ठीक उनसे थोड़ा ऊपर माँ का स्थान मिला है। चलिए, मैं कनेक्टेड रहूँगा आपसे, टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करता रहूँगा, अब जो स्थिति है उसके हिसाब से। नमस्कार।